हेलो हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वाला वीडियो होने वाला है जो हमारा टाउन हॉल 11 है उसकी यहाँ पे अल्टीमेट ज़ैप ड्रैगन अटैक स्ट्रेटजी के बारे में। एंड उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि तीन डिफरेंट यहाँ पे सीज मशीन का यूज करने वाले हैं। एंड फिर देखने वाला है कि कैसे आप लोगों को प्लान करना है ताकि आप लोगों को 3 स्टार यहाँ पे मिल सकते हैं इजिली। तो आप यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट आर्मी में कि हम लोग कौन से यहाँ पे ट्रूप्स एंड स्पेल लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 हमारे पास बलून है, हम लोग उसको यूज करेंगे एज अ कोकोलून। फिर यहाँ पे जो हमारी मेन आर्मी वो यहाँ पे 10 ड्रैगन, एक यहाँ पे बेबी ड्रैगन एंड एक इलेक्ट्रो ड्रैगन ताकि हम लोग फनलिंग कर पाए। एंड यहाँ पे स्पेल में देख लो 6 हमारे पास लाइटिंग स्पेल है, 1 रेज स्पेल है, 3 यहाँ पे अर्थक्वेक स्पेल है एंड सीसी में भी देख लो 2 यहाँ पे लाइटिंग स्पेल है। तो देख लो टाउन हॉल 11 पे अगर हम लोगों को एयर डिफेंस को यहाँ पे डाउन करवाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 1 यहाँ पे अर्थक्वेक का यूज करना पड़ेगा एंड 3 यहाँ पे लाइटिंग का यूज करना पड़ेगा। बट हमारा जो लाइटिंग स्पेल है वो 8 का है एंड अगर हम लोग सीसी में 2 ही लाइटिंग स्पेल लेते हैं लेवल 9 के तो हम लोग को 2 ही यहाँ पे लाइटिंग स्पेल को यूज करके एंड 1 हमारा अर्थक्वेक को यूज करके यहाँ पे टाउन हॉल 11 का जो एयर डिफेंस है उसको डाउन करवा सकते हैं। तो हम लोग 4 लाइटिंग से भी डाउन करवा सकते हैं बट हम लोगों ने यहाँ पे अर्थक्वेक लिया है क्योंकि भाई अर्थक्वेक को हम लोग यूज करेंगे तो आसपास की जो बिल्डिंग की हिट पॉइंट है वो भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। रेज हम लोगों ने यूज किया है ताकि हम लोग रेज कर सके अगर सारे के सारे ड्रैगन स्कोर में गए तो एंड वहाँ से जल्दी ज्यादा जो मेजर डिफेंस होते हैं उसकी वैल्यू निकाल के दे पाए। फिर हमारे पास जो हमारे हीरोज थे वो है यहाँ पे किंग का 2 लेवल कम है, यहाँ पे वार्डन का भी 2 लेवल कम है एंड सीसी में देख लो 7 हम लोगों ने यहाँ पे बलून लिए एंड 1 स्टोन स्लैमर लिया है। तो भाई ये वाला पहला अटैक हम लोग स्टोन स्लैमर से करवाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं ये वाला अटैक की प्लानिंग। तो सबसे पहला बेस देख लो कुछ इस तरीके का है एंड बेस में सबसे पहले हम लोगों को क्या करवाने वाला है कि हम लोगों की मेन आर्मी जो है वो ड्रैगन है एंड ड्रैगन को बेस में सबसे ज्यादा दिक्कत दे सकता है वो वाले यहाँ पे डिफेंस, यहाँ पे एयर डिफेंस, एयर स्वीपर, ईगल आर्टिलरी, एक्सबोज एंड यहाँ पे इन्फर्नोस। तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को ड्रैगन को ले जाना पड़ेगा कोर के अंदर एंड सारे के सारे जितने भी मेजर डिफेंस हम लोगों को ड्रैगन को दिक्कत दे पाएंगे वो वाले ड्रैगन हम लोगों को सबसे पहले खत्म करने पड़ेंगे। अगर वो यहाँ पे खत्म हो जाता है तो हम लोगों को सारी की सारी चीजें मिल पाएंगी। तो हम लोगों को प्लानिंग क्या करना है सबसे पहले अटैक के लिए। तो यहाँ पे देख लो 6 यहाँ पे लाइटिंग है, 2 हमारे पास सीसी में लाइटिंग है एंड 3 अर्थक्वेक स्पेल है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देख लो 1 एक्सबो लेफ्ट हैंड साइड, 1 यहाँ पे एयर डिफेंस एंड एयर स्वीपर, तीनों यहाँ पे ट्राइंगुलर पोजीशन में देख लो पास में ही है। तो हम लोग उसके ऊपर 1 यहाँ पे अर्थक्वेक स्पेल एंड 3 हमारा यहाँ पे लाइटिंग आएगा। तो आई थिंक हम लोगों को यहाँ पे एयर डिफेंस एंड एयर स्वीपर मिल सकता है एंड एक्सबो की वैल्यू भी बहुत सारी यहाँ पे कम हो सकती है एंड राइट हैंड साइड भी सेम चीज है। तो हम लोगों को 2 यहाँ पे एयर डिफेंस उस तरीके से निकल जाएंगे एंड 1 जो यहाँ पे एयर डिफेंस बचेगी वो हम लोग नीचे की साइड देखो यहाँ पे इन्फर्नो के पास है वो वाला हम लोग निकाल लेंगे 2 सीसी की लाइटिंग एंड 1 हमारी अर्थक्वेक स्पेल से। तो इस तरीके से 3 एयर डिफेंस मिल जाएंगे, 1 जो नीचे वाला एयर डिफेंस है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो हम लोग ड्रैगन भी उसी साइड से हम लोगों को डिप्लॉय करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले फनलिंग बनानी पड़ेगी ताकि सारे के सारे ड्रैगन वो एक साइड यहाँ पे स्प्रेड ना हो जाए एंड 1 ही जगह रहे। उसके लिए हम लोगों को फनलिंग करनी पड़ेगी। तो फनलिंग में हम लोग क्या करेंगे कि नीचे की साइड यहाँ पे हमारा किंग एंड क्वीन से फनलिंग करवाएगी एंड उसको यहाँ इस साइड डायरेक्शन में जाए उस तरीके से यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे एंड हमारा जो बेबी ड्रैगन है इलेक्ट्रो है वो ऊपर की साइड हम लोग फनलिंग करेंगे एंड वो वाला फनलिंग हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे ताकि वो इस साइड जाए। तो जैसे ही फनलिंग हो जाती है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा 4 लून बचेगा कोकोलून वो डिप्लॉय करवाएंगे सारे के सारे हमारे ड्रैगन। फिर पीछे से हम लोगों को एयर मोड में हमारा वार्डन डालना है एंड बाकी जो हमारा स्टोन स्लैमर है वो भी आ जाएगा पीछे से। फिर क्या करना है कि वेट करना है कि सारी की सारी चीजें यहाँ पे कोर में आ जाए। फिर अगर यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो यहाँ पे लो के हमारे ड्रैगन के ऊपर एंड जैसे ईगल का हिट आता है यहाँ पे फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला हम लोग वार्डन की एबिलिटी दे देंगे एंड जैसे ही सारे के सारे चीजें कोर में होगी हम लोग वहाँ पे रेज कर देंगे एंड आई थिंक ये वाला प्लानिंग से जो बेस की कोर की जितने भी चीजें हम लोगों को ड्रैगन को दिक्कत देगी वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी एंड ये वाला अटैक हो जाएगा 3 स्टार। तो ये वाली पूरी प्लानिंग है। चलो देखते हैं कि इसमें कैसे अटैक हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, हम यहाँ पे देख लो 1 राइट हैंड साइड आएगा अर्थक्वेक 3 लाइटिंग, फिर लेफ्ट हैंड साइड भी 1 अर्थक्वेक 3 लाइटिंग खत्म। नीचे की साइड देखो यहाँ पे 1 अर्थक्वेक 2 लाइटिंग एंड 3 यहाँ पे देख लो एयर डिफेंस हम लोगों को इजीली मिल गई है। अब क्या करना है कि हम लोगों को जो यहाँ पे हमारा किंग है वो आ जाएगा यहाँ पे डार्क एलिक्सियर ऊपर। फिर यहाँ पे आर्चर्स 2 थी वो यहाँ पे टेस्ला निकला तो हम लोगों ने टेस्ला के ऊपर डाल दिया एंड यहाँ पे देख लो फनलिंग आई थिंक बहुत अच्छी चल रही है। फिर देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड ऊपर की साइड 1 बेबी ड्रैगन, हमारा जो इलेक्ट्रो ड्रैगन था वो अगेन यहाँ पे नीचे की साइड एंड अगेन देख लो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फनलिंग हो चुकी है एंड आई थिंक अभी हम लोग जो सारे के सारे हमारे ड्रैगन्स को डिप्लॉय करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर में ही जाएंगे। तो हम लोग क्या करवाने वाले हैं यहाँ पे कोकोलून, सारे के सारे ड्रैगन्स, हमारा स्टोन स्लैमर, हमारा वार्डन एंड सारी की सारी चीज़ें आ गई है। बस अभी वेट करना है कि जहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ईगल का 1 या फिर दूसरा चलो यहाँ पे सीसी में से यहाँ पे ड्रैगन आया तो हम लोगों ने रेज कर दिया एंड यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो भी लॉक थे हमारे ड्रैगन के ऊपर तो वार्डन की एबिलिटी भी हम लोगों ने यूज़ कर ली। अब बस वेट करना है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो दो एक्सबॉस बचे हैं एंड एक यहाँ पे ईगल आर्टिलरी बचा है, अगर वो डाउन हो जाता है तो आई थिंक हमारा ये वाला जो अटैक वो यहाँ पे होपफुली 3 स्टार यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख लो आर्चर क्वीन भी है, तो आर्चर क्वीन को भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एंड देखो आर्चर क्वीन डाउन, यहाँ पे एक्सबो था वो भी डाउन। एंड होपफुली देख लो जितने भी मेजर डिफेंस थे हम लोगों को ड्रैगन को दिक्कत देते, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है ख़त्म। अभी बस वार्डन बचा है, वार्डन थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है बट इतनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे देगा नहीं। एंड सारे के सारे ड्रैगन देखो यहाँ पे टाइमिंग का भी फेल नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे ड्रैगन स्प्रेड हो चुके हैं। एंड यहाँ पे डिफेंस को भी ख़त्म करते जा रहे हैं, आसपास की बिल्डिंग को भी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो पहला अटैक के लिए हमारी जो प्लानिंग थी वो बहुत ही होपफुली यहाँ पे इजीली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। एंड आई थिंक ये वाला अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकल आएगा। फर्स्ट अटैक से देख लो हम लोगों को यहाँ पे निकल आया 3 स्टार। सेकंड अटैक के लिए देख लो आप लोग कुछ इस तरीके की भी आर्मी ले जा सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या चेंज किया, सिर्फ सीसी में ही चेंज है। हम लोगों ने फर्स्ट अटैक में सारे के सारे बलून लिए थे, यहाँ पे देख लो 6 बलून कम करके उसमें यहाँ पे ईडी ले लिया इलेक्ट्रो ड्रैगन। एंड सीज में स्टोन स्लैमर की जगह हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेम फिंगर को लिया। तो चलो डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे प्लानिंग करना है इस वाली स्ट्रेटजी के लिए। तो ये वाले अटैक स्ट्रेटजी में हम लोग क्या करवाने वाले हैं कि यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके का बेस है। एंड इस तरीके के बेस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंगल इन्फर्नोज है राइट हैंड साइड, वहाँ पे हम लोग हमारा फ्लेम फिंगर को डालेंगे। एंड होपफुली वो यहाँ पे ये वाला कंपार्टमेंट पूरा निकाल लेगा। जो बाकी एक साइड है ऊपर की तरफ यहाँ पे 12 o'clock पे, वहाँ पे हमारा हीरोज आ जाएगा। एंड वो भी यहाँ पे होपफुली हम लोगों को आई थिंक ये वाला पूरा कंपार्टमेंट निकाल के दे देगा। तो ये वाली पूरी प्लानिंग होती है। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों कंपार्टमेंट यहाँ पे जैसे खत्म होने आएंगे, सारे के सारे ड्रैगन्स को हम लोग यहाँ पे 7 o'clock या फिर 8 o'clock पे यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। एंड वो सारी चीजें यहाँ पे ईगल की तरफ आएगी एंड वहां से भी हम लोगों को सारी की सारी चीजें क्लीनिंग कर दे। होपफुली ये वाली पूरी प्लानिंग में हम लोगों को 3 स्टार मिल पाएगा। ओके तो चलो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आ जाएगा फ्लेम फिंगर, वो डायरेक्ट टारगेट करेगा यहाँ पे बॉम्ब टावर को, ऊपर की साइड किंग एंड क्वीन। अभी हमारे पास जो लाइटिंग स्पेल है उससे हम लोगों को यहाँ पे डाउन करवाना है ए डिफेंस को। तो हम लोग जो यहाँ पे ओपन की साइड का जो मतलब कि यहाँ पे देख लो 3 o'clock पे जो एक एयर डिफेंस है उसको यहाँ पे डाउन नहीं करवाएंगे क्योंकि आई थिंक वो फ्लेम फिंगर यहाँ पे निकाल लेगा। तो नीचे की साइड जो 3 एयर डिफेंस थे दोनों ईगल के आसपास एंड एक जो टाउन हॉल के पास था, वो तीनों ही हम लोगों ने यहाँ पे लाइटिंग से निकाल दिया। तो 2 यहाँ पे सीसी की स्पेल वो आ गई उसके ऊपर। एंड चलो तीनों एयर डिफेंस निकल आए। एंड आई थिंक फ्लेम फिंगर से हम लोगों को ये वाला एयर डिफेंस भी चाहिए होगा, वरना हमारा जो ड्रैगन होगा उसको यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आ सकती। तो चलो वेट करते कि यहाँ पे अभी जैसे सिंगल टावर इन्फर्नो यहाँ पे आई थिंक डायरेक्ट वो टारगेट करेगा फ्लेम फिंगर सिंगल टावर इन्फर्नो को। हाँ चलो यहाँ पे उसको ही टारगेट कराए। एंड फिर देखते हैं कि वो नीचे की साइड आता है या फिर एयर डिफेंस के पास जाता है। तो उस तरीके से हम लोग फिर हमारा जो ड्रैगन है वो वाला पार्ट स्टार्ट करवा देंगे। चलो वो नीचे की साइड ही आ रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे जो हमारे ड्रैगन्स हैं एंड उससे ही हमारे पास वो एयर डिफेंस निकालना पड़ेगा। तो सारे के सारे लून फिर यहाँ पर ड्रैगन, फिर एक ईडी बचा था तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। एंड फिर हमारा एक वार्डन आ जाएगा पीछे से। अब वेट करना है। चलो यहाँ पे फर्स्ट जैसे हीट आया यहाँ पे ईगल का, हम लोगों ने यहाँ पे दे दी वार्डन की एबिलिटी। एंड यहाँ पे देख लो फ्लेम फिंगर बहुत ही ओपी तरीके से काम कर रहा है, बस वो हमें यहाँ पे एयर डिफेंस निकाल के नहीं पाया। तो हम लोग क्या करना है कि वो एयर डिफेंस को निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रेस डाल दिया। वहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन भी हमारे साथ था, तो वो भी आई थिंक बहुत ही जल्दी वो वाला एयर डिफेंस यहाँ पे निकाल लेगा। एंड चलो फ्लेम फिंगर ने ही लास्ट में यहाँ पे एयर डिफेंस निकाल लिया। तो अभी देखो बहुत सारे ड्रैगन बचे, नीचे की साइड भी आ गए। वो आई थिंक वही यहाँ पे क्वीन को निकाल लेगा। एंड क्योंकि भाई क्वीन को भी निकाला यहाँ पे जरूरी है, वरना क्वीन भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है हमारे ड्रैगन्स को। तो हमारे पास देखो फुल हेल्थ का भी वार्डन बचा है, 2 ईडी बचे, एक जो सीसी का लोन था वो भी बचा। एंड 5 आई थिंक हमारे पास यहाँ पे ड्रैगन बचे। एंड यहाँ पे जो बेस में दिक्कत दे सकता है वो अभी डिफेंस है एक, सिर्फ यहाँ पे आर्चर टावर, बाकी कुछ भी दिक्कत देगा नहीं। तो बहुत सारे ट्रूप्स हमारे बच गए। तो आई थिंक स्टोन स्लैमर से अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ करना हो तो फ्लेम फिंगर ये वाली अटैक स्ट्रेटजी है, क्योंकि भाई आप लोगों को टाइम का फेल होगा नहीं। एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्रूप्स भी आपको एंड में यहाँ पे बच जाएंगे। तो ये वाला अटैक भी देख लो, लास्ट यहाँ पे आर्मी कैम्प बचा है। एंड यहाँ पे देख लो ये वाला अटैक भी निकाला है 3 स्टार। तो फाइनल वाली आर्मी देख लो कुछ इस तरीके की आर्मी है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है कि हम लोगों ने फ्लेम फिंगर की जगह यहाँ पे लॉग लॉन्चर को लिया। एंड वो क्यों लिया है अब यार देखते हैं इसके प्लानिंग। तो यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके का बेस है। एंड यहाँ वाले बेस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला बेस में देख लो यहाँ पे जो एयर डिफेंस है, एक यहाँ पे एयर स्वीपर भी है, सिंगल टावर इन्फर्नो भी है एंड ईगल भी है, तो वो देख लो एक ही लाइन में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लॉग लॉन्चर है अगर उसको हम लोग यहाँ पे 10 o'clock या फिर 11 o'clock से डालेंगे तो सारी की सारी चीजें देखो एक ही लाइन में आएगी एंड वो आई थिंक 3 या फिर 4 जैसे वो लोग यहाँ पे हिट करेगा तो वो वाला हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। एंड बाकी का जो एयर डिफेंस है हम लोग लाइटिंग से निकाल लेंगे एंड ईडीएन यहाँ पे बेबी ड्रैगन एंड किंग क्वीन से हम लोग फनलिंग करवा लेंगे एंड 10 o'clock से सारी की सारी चीजें हम लोग अंदर की साइड लाएंगे एंड आई थिंक ये वाली प्लानिंग से हम लोगों को 3 स्टार मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करवाने वाला है कि यहाँ पे आप देख लो हम लोग 3 जो एयर डिफेंस है वो यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखो इन्फर्नो को भी यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत आ गया तो उस तरीके से आप लोग यहाँ पे लाइटिंग का यूज़ करो ताकि आसपास की जो बिल्डिंग है उसको भी यहाँ पे हिट पॉइंट जो है वो यहाँ पे कम हो जाए। तो यहाँ पे देख लो आई थिंक आर्चर्स भी निकल आया एंड 3 यहाँ पे डिफेंस खत्म। अभी हम लोगों को फनलिंग करवाना है ताकि सारी की सारी जो चीज़ें ड्रैगन्स की हम लोग यहाँ पे बेस के कोर में ले पाए एंड जो मेजर डिफेंस है उसको भी यहाँ पे डाउन कर पाए। तो किंग एंड क्वीन चलो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फनलिंग कर रहे हैं एंड क्वीन भी देख लो अंदर की वैल्यू भी निकाल रही है एंड आई थिंक ईडी को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करना पड़ेगा। एंड अब क्या करते हैं कि ईडी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है तो वो ख़त्म हो उससे पहले सारे के सारे ट्रूप्स हम लोगों ने डाल दिए। यहाँ पे देख लो लॉग लॉन्चर के भी हम लोगों ने सेम ही उसी तरीके से डाला था ताकि यहाँ पे देख लो एयर डिफेंस सिंगल टावर इन्फर्नो एंड ईगल सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को मिल पाएँ। तो अभी देख लो यहाँ पे ईगल ही बचा है एंड ईगल का भी ये आई थिंक लास्ट हिट आएगा। चलो नहीं गया, एक और यहाँ पर हिट आएगा एंड देखो ईगल भी ख़त्म हो गया। अभी बेस में देख लो एक एक्सपो बचा है जो कि चलो वो भी ख़त्म, एक और एक्सपो बचा है एक इन्फर्नो बचा है जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देख लो एक ईडी यहाँ पे जो था वो हमारा बाहर आ गया एंड अभी बस वेट करना है कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ मिल सकती है। आई थिंक ईडी ओके चलो ईडी ने यहाँ पे इन्फर्नो को हिट नहीं किया, अगर इन्फर्नो को हिट किया तो करता तो वो वाली भी हम लोगों को वैल्यू मिल जाती एंड आई थिंक ये डार्क एलिक्स स्टोरेज एंड चलो एक्सबो भी निकाल लिया एंड यहाँ पे इन्फर्नो बच गया बट कोई नहीं। चलो नीचे की साइड हमारा फुल थेल का यहाँ पे वार्डन है 5 या फिर 6 आई थिंक उसके साथ यहाँ पे ड्रैगन है एंड ऊपर की साइड भी एक हमारा ड्रैगन है। तो आई थिंक हमारी कुछ इसने ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आएगी नहीं एंड ये वाला अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकल आएगा। तो ये वाली तीनों अलग अलग स्ट्रेटेजी है तीनों अलग अलग सीज मशीन के साथ। तो आप लोगों को तीनों ट्राई करो एंड आपको जो बेस्ट लगे आप लोग वो यूज कर सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।